हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एडिट फॉर यू। सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की ट्रेंडिंग स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए जो कि अभी बहुत इंस्टाग्राम में वायरल है, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे अलाइट मोशन यूज करके इस तरह की स्टार्टर्स वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल में अगर आप नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह के स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। ब्लॉस आइकन जाने के बाद आपको इधर से 4.5 रेशियो, रेजोल्यूशन 1080p, फ्रेम रेट 30, बैकग्राउंड कलर आपको इधर से व्हाइट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर से क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको जो कि सॉन्ग ऐड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस आइकन जाना है। जाने के बाद आपको ऑडियो में अगर आपका कोई MP3 सॉन्ग है तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई वीडियो सॉन्ग है तो आपको इधर से वीडियो सॉन्ग को ऐड कर लेना है। उसके बाद 3 डॉट में जाके इधर से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। उसके बाद जो भी वीडियो का पार्ट है आपको इधर से डिलीट कर लेना है, जो कि कुछ इस तरह आपको देखने मिलेगा। तो हम इधर से जो कि ट्रिम करके आपको थोड़ा इधर से मैं बाकी का पार्ट को ट्रिम कर लेता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको इतना सेकंड रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर से मैं पहले साउंड को ऑफ कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको टेक्स्ट लिखना है। इसके लिए आपको प्लस आइकन में जाना है, टेक्स्ट में जाना है, आपका जो भी एक लेटर आपको लिखना है, जो भी लेटर आप चाहें लिख सकते हैं। तो मैं इधर से कैपिटल में, आपको कैपिटल लेटर में कोई भी लेटर एक लिख लेना है। उसके बाद फॉन्ट में जाके आपको ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। जो फॉन्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कलर में जाके आपको इधर से ब्लैक कलर को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद इसका साइज जो है आपको इतना रख लेना है। उसके बाद जो टेक्स्ट साइज है इधर से पूरा इंक्रीज आपको कर लेना है, यानी कि 7:2 के आसपास आपको रखना है। राइट क्लिक करना है, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। उसका जो साइज है टेक्स्ट साइज थोड़ा आपको बड़ा कर लेना है। उसके बाद उसको मूव करके पूरा अच्छी तरह से आपको बीच में बराबर से अच्छी तरह से पूरा आपको सेट कर लेना है। इस तरह आपको पहले क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसका जो ब्लू लाइन देख सकते हैं पूरा आपको बराबर से साइज में आपको ले आना है इस तरह। उसके बाद आपको उसको मूवमेंट ट्रांसफॉर्म जाने के बाद पूरा बीच में आपको अच्छी तरह से रख लेना है। उसके बाद थोड़ा आपको टेक्स्ट को बड़ा कर लेना है, तो मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। अपने हिसाब से आप देख के पूरा अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, तो मैं इतना ऊपर रख लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से जो कि ऐड करेंगे अभी, इसलिए आपको एंड तक आना है। जो लेटर है उसके ऊपर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको एंड तक आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इधर से हमको जो कि लिरिक्स ऐड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इधर से आपको लिरिक्स सीखना है। इसके लिए प्लस आइकन जाना है, उसके बाद आपको इधर से टेक्स्ट में जाना है। उसके बाद आपको इधर से पहला जो भी आपका लिरिक्स है पहले आपको इधर से लिख लेना है, तो मैं इधर से लिख लेता हूँ। उसके बाद फॉन्ट में जाके आपको सेम फॉन्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो साइज है आपको इधर से कम कर लेना है। कलर में जाके उसको आपको इधर से ब्लैक कलर को चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाके जो टेक्स्ट साइज है आपको थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद उसको जो वो टेक्स्ट है उसके बीच में आपको अच्छी तरह से जो कि एडजस्ट कर लेना है। अपना टेक्स्ट जितना बड़ा या छोटा आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, उसका साइज आपको इस तरह पूरा ब्लू लाइन को पूरा अच्छी तरह से साइज कर लेना है। उसके बाद आपको उसका जो कि पूरा बीच में अच्छी तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इस तरह जितना आप टेक्स्ट साइज रखना चाहते हैं अपने हिसाब से आप इधर से सेट कर सकते हैं। तो मैं इतना रखता हूँ। तो इतना रखने के बाद आपको क्या करना है, इधर से पूरा एंड तक आना है। जो टेक्स्ट आपने लिखा उसके ऊपर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपका एंड तक आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको प्ले करके सुन लेना कि आपका जो पहला लाइन है कितना सेकंड तक है। तो फिलहाल मेरा जो पहला लाइन है 1.4 सेकंड तक है। मैं इधर से जो कि स्प्लिट कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड लिरिक्स मेरा इधर से स्टार्ट होता है जो कि 2.24 सेकंड तक है। तो आपको सुन कर लिखना है कि आपका जो सेकंड लिरिक्स है कितना सेकंड तक है। मैं इधर से स्प्लिट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकंड लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर से एडिट टेक्स्ट में जाना है। उसके बाद आपका जो भी सेकंड लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है। तो मैं इधर से मेरा जो सेकंड लिरिक्स है मैं इधर से लिख लेता हूँ। सो फॉर सेकंड लिरिक्स जो भी आपको पूरा कैपिटल लेटर में लिख लेना है। उसके बाद जो टेक्स्ट साइज है उसको इस तरह इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म जाने के बाद उसको आपको बीच में अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। उसका साइज थोड़ा आपको कम कर लेना है। तो सेकेंड लिरिक्स हो गया। फिर से आपको इस तरह प्ले करके पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाना सुनना है, एक एक करके पूरा लिरिक्स आपको लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो फिर इस तरह करके एक एक करके आपको पूरा जो लिरिक्स है आपको लिख लेना है। आपको जो टेक्स्ट साइज है कम ज़्यादा करके आपको पूरा अच्छी तरह से इस तरह एक एक करके पूरा इतना गैप रख के आपको अच्छी तरह से टेक्स्ट को इस तरह एडजस्ट करके लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आपका जो लेयर है उसको पहले थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद जो पहले आपने लिरिक्स लिखा था उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाना है। जाने के बाद जो थर्ड नंबर है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आ जाना है। आने के बाद पूरा स्टार्ट में आ जाना है। आने के बाद इधर से एक प्लस आइकन दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट साइज है
पूरा उसको छोटा कर लेना है, जितना आपको पूरा छोटा पूरा कम कर लेना है, इतना आपको रख लेना है। फिर से थोड़ा आगे आना है, जो टेक्स्ट आपका जो लेयर है लेयर के बीच में आपको आ जाना है, फिर से प्लस आइकन देना है, उसके बाद जो टेक्स्ट को थोड़ा आपको बड़ा रख लेना है, जितना आप बड़ा रखना चाहते हैं उतना आपको इधर से बड़ा रख लेना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एंड में आना है, एंड में आने के बाद फिर से एक प्लस आइकन देना है, उसके बाद उसको पूरा छोटा कर लेना, पूरे जैसे दिखाई नहीं दे पूरा उसको इतना पूरा छोटा आपको पूरा कर लेना, पूरा छोटा आपको कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ हो जाएगा, मैं जैसे जो कि आपको दिखाया था इस तरह कुछ आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकंड आप देख सकते हैं जो रोटेशन वाला है, सेकंड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, सॉरी आपको प्यार इसको इफेक्ट दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, जो देख सकते हैं ये की बीच में जो लाइन है उसके ऊपर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको ये ट्रांसफॉर्म में जाना है, जाने के बाद इसको इस तरह ऊपर आपको ले लेना है। उसके बाद इसका उसके बाद बीच का की और एंड में जो की उसको बीच में आपको आ जाना है, उसको इस तरह नीचे आपको कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ इफेक्ट स्मूथ इफेक्ट आएगा। उसके बाद बैक करना है, फिर से आपको रोटेशन में यानी कि जो सेकंड है उसके ऊपर जाना है, फिर से आपको स्टार्टिंग में आना है, सेम प्रोसेस आपको करना है। स्टार्टिंग में आने के बाद क्या करना है, इधर से आपको प्लस आइकन दे देना है, देने के बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको -90 डिग्री आपको इधर से चूज कर लेना है, पूरा बराबर से 90 आपको कर लेना है। फिर से आपको क्या करना है, जो प्लस आइकन आपने दिया था उसके ऊपर आना है, फिर से प्लस आइकन देने के बाद इसको 0 आपको इधर से पूरा आपको बराबर से 0 इधर से सिलेक्ट कर लेना है। 0 करने के बाद आपको क्या करना है, मैं इधर से जो कि 0% कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से आपको एंड में आना है, एंड में आने के बाद फिर से इधर से प्लस आइकन देना है, उसके बाद प्लस 90 डिग्री आपको इधर से ओनली 90 डिग्री इधर से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा पीछे आना है, यानी कि दो की बीच में आना है, ट्रांसफर में जाना है, उसको इस तरह नीचे ले आना है, फिर से दो की के बीच में जाना है स्टार्टिंग में, उसके बाद इसको ऊपर इस तरह ले आना है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह कुछ इफेक्ट देखने मिलेगा, जो आपको प्ले करके अभी दिखाता हूँ इस तरह देखेगा, लेकिन हम इफेक्ट लगाएंगे जो कि ऑक्सीलेट वाला, उसके बाद ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। फिर से आपको क्या करना है, इधर से सेकंड लिरिक्स में आ जाना है। थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इधर से लिरिक्स को कट कर लेता हूँ जो कि ऊपर आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह सेकंड लिरिक्स हो गया। उसके बाद सेम काम आपको जो फास्ट लिरिक्स है सेकंड में भी ऐसा करना है। पहले हम इफेक्ट ऐड कर लेते हैं जो कि ऑक्सीलेट वाला है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको इधर से क्या करना है, मूव ऑन ट्रांसफॉर्म में जाना है, जाने के बाद आपको ये ऑक्सीलेट वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से जो एंगल है इधर से आपको 180 डिग्री पूरा कर लेना है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है आपको इधर से थोड़ा कम कर लेना है, यानी कि आपको इधर से 1.27 के आसपास रख लेना है। उसका जो मैग्नीट्यूड है इधर से आपको पूरा 100 के आसपास आपको रख लेना है, जो कि इतना आपको रख लेना है। तो मैं आपको इधर से प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह कुछ इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। तो ये थोड़ा छोटा लिरिक्स है इसलिए जल्दी जा रहा है, आपका थोड़ा बड़ा लिरिक्स होगा तो अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो देख सकते हैं ये पहला लिरिक्स हो गया, आपको सेकंड लिरिक्स भी सेम वर्क करना है। मैं ये सेकंड लिरिक्स को भी आपको दिखाता हूँ। सेकंड लिरिक्स को आपको फिर से क्लिक करना है, फिर से मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाना है, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करके आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आने के बाद आपको एक प्लस आइकन देते हैं, उसको पूरा कम कर लेना है, पूरा छोटा आपको इधर से टेक्स्ट को कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, जो लिरिक लेयर है आपका लेयर का जो बीच है आपको पूरा बीच आपको आ जाना है। आने के बाद फिर से प्लस आइकन देना है, उसके बाद जो टेक्स्ट है उसको जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं उसको आपको इतना बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद फिर से एंड में आना है, एंड में आने के बाद प्लस आइकन देना है, फिर से आपको उसको पूरा छोटा कर लेना है, जैसे कि पूरा पहले आपने जितना छोटा किया था उसको आपको पूरा छोटा कर लेना है। फिर से आपको क्या करना है, इसको बीच में आना है, ट्रांसफॉर्म में जाके उसको इस तरह नीचे, फिर से इसका बीच में आना है, फिर इस तरह को ऊपर कर लेना है, बैक करना है, फिर से रोटेशन में जाना है, स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद क्या करना है, इधर से प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद आपको पहले क्या कहते हैं -90 कहते हैं आपको, इधर से ये सेकंड लिरिक्स में आपको क्या करना है, इधर से प्लस 90 करना है, फिर से आपको बीच में आना है, जो आपने बीच में प्लस आइकन दिया था। बीच में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर से फिर से प्लस आइकन देना है, उसको 0 कर लेना है। फिर से आपको एंड में आना है, एंड में आने के बाद फिर से आपको इधर से प्लस आइकन देना है, उसको -90 डिग्री इधर से कर लेना है, एक माइनस एक प्लस इस तरह करके आपको जो कि इफेक्ट को ऐड करना है। फिर से आपको बीच में आना है, ट्रांसफॉर्म में जाके उसको नीचे, फिर से आपको इसको ऊपर आना है, इसको आपको ऊपर कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, आ गया फिर सेकंड इस तरह आएगा। तो ऑक्सीलेट इफेक्ट हमने ऐड नहीं किया, इसके लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाके इधर से आपको कॉपी इफेक्ट करना है, उसके बाद सेकंड इफेक्ट में जाके आपको इधर से पेस्ट इफेक्ट कर लेना है।
तो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं एक लिरिक्स आ गया, सेकंड लिरिक्स इस तरह आएगा। तो इस तरह करके एक एक करके पूरा जो लिरिक्स है आपको स्टेप बाय स्टेप को सेम इफेक्ट आपको फॉलो करके आपको ऐड कर लेना। तो फटाफट से मैं पूरा इफेक्ट में लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड इस तरह करके एक एक करके आपको पूरा इफेक्ट को ऐड करना है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आपको क्या करना है, एक इफेक्ट में आपको गलत बता दिया था, आपको क्या करना है, जो भी आपको रोटेशन वाला इफेक्ट ऐड करेंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म रोटेशन में, आपको क्या करना है, पहले आपको इधर से प्लस 90 और एंड में आपको माइनस 90, आपको सभी में एक एक करके ऐड करना। मैं आपको बताता है कि एक प्लस एक माइनस आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सब जितने भी आपका लिरिक्स है पहले आपको इधर से प्लस 90 और एंड में आपको माइनस 90 करके सभी जितने भी आपने लिरिक्स है आपको एक एक करके इसी तरह को आपको रोटेशन में इस तरह के इफेक्ट ऐड करना है, एक ही तरह का आपको ऐड कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद क्या करेंगे, जैसे हम जो कि इमोजी वाला ऐड करेंगे पीएनजी, तो इसके लिए आपको प्लस एक में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, आपके आपके पीएनजी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस तरह पीएनजी का ऐड करने के बाद उसको छोटा कर लेना, इस तरह छोटा करने के बाद आपको मूव में जाकर उसको क्या करना, इस तरह आपको ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना, आपका और दूसरा कोई लेटर है आपको अच्छी तरह से उसको आइडिया लगा के आपको इमोजी को अच्छी तरह से ऐड करेंगे, जो कि थोड़ा अच्छा लगेगा हमारा टेक्स्ट में इमोजी रहेगा। तो इस तरह ऐड हो गया, फिर से आपको बैक करना है, फिर से आपको एक जो कि बटरफ्लाई वाला इमेज ऐड करना है, फिर से आपको क्या करना है, प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, आपको बटरफ्लाई वाला पीएनजी भी लिंक मिल जाएगा, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसका साइज को भी छोटा कर लेना है, उसके बाद मूव करके उस तरह आपको नीचे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा इसका बड़ा कर लेता हूँ, एडजस्ट करने के बाद थोड़ा आपको उसको रोटेट कर लेना है, जो कि थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरह रोटेट होकर रहेगा। तो देख सकते हैं मैं भी पीएनजी भी ऐड कर लिया, तो आपको इस तरह पीएनजी ऐड करना है। उसके बाद एंड में आना है, जो पीएनजी आपने ऐड किया था साइड में क्लिक करके ये वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो पीएनजी जो है पूरा आपको पीएनजी भी एंड तक पूरा आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरह आ गया। तो फाइनली हमारा जो कि वीडियो अभी रेडी हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड इफेक्ट है ब्लॉर वाला वो ऐड करेंगे। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन में जाना है, आपको ये रेक्टैंगल जो राउंड शेप वाला एक शेप ले लेना है, उसके बाद कलर में जाकर उसको आपको जो कि रेड कलर को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको क्या करना है, जो सर्कल है उसके ऊपर क्लिक करके उसका जो साइज है थोड़ा आपको इस तरह इंक्रीज कर लेना है। इस तरह इंक्रीज करने के बाद उसको क्या करना है, पूरा नीचे यानी कि आपने जो ए लेटर लिखा है उसको नीचे आपको इस तरह साइड में होल्ड करके आपको पूरा नीचे ले आना है। उसके बाद एंड में जाना है, एंड में जाने के बाद उसके ऊपर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो पूरा एंड तक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्कल है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, उसके बाद आपको ब्लॉर में जाना है, ब्लॉक्स ब्लॉर ये वाला इफेक्ट आपको जो कि सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसका जो साइज है आपको इधर से थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, नहीं कि आपको इसको जूम थोड़ा ब्लॉर देख सकते हैं, आपको जितना ब्लॉर चाहिए अपने हिसाब से इसको इंक्रीज करके जो कि ब्लॉर रेडियस को थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं रखता हूँ 1.77 रखता हूँ, तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगेगा आपको इस तरह ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं ब्लॉर इफेक्ट भी ऐड हो गया, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। आप चाहेंगे तो जो शेप है उसको थोड़ा आप ऊपर ले सकते हैं, इतना ऊपर रखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं हमारा फाइनली जो कि वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा इफेक्ट लग रहा है। देख सकते हैं आप चाहेंगे तो उसका जो ब्लॉर जो शेप है थोड़ा साइज को आप इसको कम कर सकते हैं और थोड़ा ऊपर आपको उसको ले सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो कि वीडियो फाइनली रेडी हो गया। तो इस तरह आपको वीडियो को रेडी कर लेना है, जो कि देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा अभी लिरिक्स इफेक्ट भी ऐड हो गया, इमोजी भी ऐड हो गया, उसके बाद रेड जो कि ब्लॉर इफेक्ट ऐड हो गया। उसके बाद आप चाहेंगे तो आपके चैनल का लोगो इधर से ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो रेडी हो गया, वीडियो को सेव करने के लिए आपको शेयर ऑप्शन में जाना है, जाने के बाद आपको वीडियो के इधर से फुल HD में क्वालिटी फुल रख के आपको इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है। सो फ्रेंड ये थी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो एक लाइक कर लेना। इस तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।